ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है। उस टाइम तुम्हारे पीछे लंबी लाइन थी और इस टाइम मेरे। तुम एक काम करो, ये टोकन पकड़ो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तो मेरा आंसर ना होगा। मेरा हाल क्या कर दिया। अबे तुम लोग कितना लेट करते हो, लेक्चर नहीं लेना है क्या? लेक्चर लेना भी किसको है, चलो कैंटीन चलते हैं। तुम लोग भी ना यार। हाँ अरे मेरा भाई, लड़की अगर देखने से पटती ना तो शायद सनी लियोनी आज मेरी गर्लफ्रेंड होती, समझा? भाई मतलब अरे मतलब यार, तू बहुत भोला है, मुझे पता है तू उसे बहुत लाइक करता है। जब तक कुछ बोलेगा नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी बे? भाई वो तो मुझसे बात भी नहीं करेगी, उसे देख और मुझे देख, मुझसे तो कोई दोस्ती भी नहीं करता, सब मुझे बोरिंग बोलते हैं। अरे भाई तू एक बार ट्राई तो कर। नहीं यार मेरे से नहीं होगा, कॉलेज के लिए लेट हो रहे हैं, आओ चलते हैं। चल अच्छा कॉलेज चल। अबे हमारे तो ऐसे घूम क्यों रही है, ऐसे तेरा प्रोजेक्ट नहीं बन जाएगा, चिल मार यार। कैसे चिल करूँ यार, कल प्रोजेक्ट का लास्ट डेट है और अभी तक मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट भी नहीं किया। अबे किसी से बनवा ले ना, हमारे कॉलेज में चूतियों की कमी थोड़ी है। वो देख रोहित आ रहा है, उससे बनवा ले। तेरी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये चूतिया मेरा काम करेगा क्या? क्यों नहीं करेगा काम। अबे ओए रोहित, इधर आना जरा। हाँ भाई। हमारे को तेरे से कुछ काम था। हाँ मेरा बोलो। रोहित मुझे एक्चुअली तुमसे एक हेल्प चाहिए थी, मेरा प्रोजेक्ट बना दोगे? क्योंकि मेरी बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है और कल प्रोजेक्ट का लास्ट डेट है। लेकिन हाँ मेरा, मुझे भी अपना प्रोजेक्ट। यार रोहित तुम मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो ना? हाँ मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट बना दूंगा, तो कल टाइम से प्लीज इसको बना देना। ओके ठीक है, बाय बाय। बे रोहित कब तक प्रोजेक्ट बनाएगा बे तू? 12 बज गए, सो जा। बस भाई थोड़ा सा बचा है, करके सो जा रहा हूँ। चल ठीक है सो जाना तू। हेलो अमेरा। ओ हाय। ये लो तुम्हारा प्रोजेक्ट। थैंक यू सो मच यार। अच्छा मैं निकलता हूँ, ठीक है? ओके। अबे साल पास होंगे कि नहीं? मुझे क्या लगता है, मैंने तो पढ़ाई की नहीं है। मैं कौन सा पढ़ाई करता हूँ भैया? अबे अबे वो देख, अभी ये चूतिया यहाँ क्या कर रहा है? चल चल के मजे लेते चले। चल चल। ओए रोहित। हाँ भाई। तुझसे एक बात करनी थी हमारे के बारे में, सोचा तुझे बता दूँ। हमारे जो है ना तुझे लाइक करती है, समझा तू? क्योंकि उसे सिंपल लड़की पसंद है मेरे भाई। क्या बात कर रहे हो यार, वो मुझे लाइक, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वैसे मुझे आज तक लगा नहीं कि वो मुझे लाइक करेगी। अबे तू खुद सोच, इतने सारे लड़के हैं इस कॉलेज में, उसने तुझे ही फाइल क्यों दी? भाई तू खुद सोच, तेरे में कोई तो खास बात होगी जो उसने अपनी फाइल तुझे बनाने को दी। देख मेरे भाई वो लड़की है, वो कभी खुद से नहीं बोलेगी कि वो तुझे लाइक करती है, हमारी दोस्त है, हमें पता है, समझा तू? तो भाई मुझे जाके उससे बात करनी चाहिए ना? बिल्कुल भाई, तू जा उससे बात कर, अपने दिल की बात बोल दे, वो मना नहीं करेगी बिल्कुल भी, हमारी गारंटी है यार, हमको अच्छे से पता है इसके बारे में। जा जा जल्दी जा। हेलो अमेरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। अमेरा मैं तुमसे काफ़ी टाइम से लाइक करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मेरे को बहुत लाइक करती हो, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? अच्छा तो तुम मुझे लाइक करते हो,
ठीक है, मैं हाँ बोल दूंगी, बट तुम्हें एक टास्क करना होगा। हाँ बोलो। तुम्हें ये लिपस्टिक अपने लेफ्ट हैंड से लगानी होगी, वो भी परफेक्टली। तुम कर तो लोगे ना? हाँ मैं कर लूंगा। और अच्छे से लगाओ रोहित। तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझ जैसे लड़के को हाँ बोलूंगी? समीर, तेरे पास कैंटीन का टोकन है ना, ये ले, इसे पकड़ और लाइन में लग जा जाके। जब तेरा नंबर आएगा ना, तब मैं तुझे बता दूंगी कि मेरा जवाब हाँ है या ना। तब तक के लिए कि बाय। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, तोड़ दिया वो आईना जिस आईने ने तेरा अक्स देखे। मैं शहर में तेरे था गैरों सा, मुझे अपना कोई ना मिला, तेरे लम्हों से मेरे जख्मों से अब तो मैं दूर चला। यार शिवा, आज सबसे मिलके मजा ही आ जाएगी। यार शिवा, तुमने पार्टी देखी ना, बिल्कुल सही किया है। बस यार अपने दोस्तों से मिलते रहना चाहिए यार। यार शिवा ये बताओ, अपने कॉलेज के हॉट लड़के को नहीं बुलाए? आती होगी यार। माफ करो, मैं नशे में हूं। ये देखो मैम का नाम लिया और मैम हाजिर। और मैडम जी क्या हाल है आपके? मैं तो बिल्कुल मस्त हूं, तुम लोग अपना बताओ? हम लोग भी बढ़िया हैं, लेकिन एक बात तो, जैसे कॉलेज के टाइम पे तुम दिखती थी ना, बिल्कुल अभी भी वैसी हो। अच्छा तुम लोग एंजॉय करो, मैं अभी आता हूं। और हमारा आजकल क्या कर रही हो? कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। रुद, वो कौन है? पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, मैं देखती हूँ। हेलो, तुम व्हाट द फक? मुझे पता था तो यही होगा। और कॉलेज क्यों नहीं आया तू? भाई मुझे समझ आ गया, ये जगह मेरे लिए नहीं है। ये शहर वाले हम गांव वालों को नीचे दबाते हैं, हमारी इंसल्ट करते हैं, और ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं आज के बाद कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्या कॉलेज नहीं जाएगा? पागल हो गया क्या तू? वैसे भी अपना लास्ट ईयर है और इसके बाद कॉलेज अपना खत्म ही हो जाएगा। भाई मैं इन सब चीज़ों के बाद किसी को फेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, लेकिन उससे बदला जरूर लेंगे हम लोग। भाई वो कैसे? जैसे मैं बोलूंगा आज के बाद तू वैसे ही करेगा, ठीक है ना? ठीक है भाई। पिघला दे जंजीरे, बना उनकी शमशीरे, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू,
खिला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनून के आगे अंबर बना है मांगे, कर डाले तू जो फैसला। झूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। क्या हुआ, सॉक लगा क्या? अरे नहीं नहीं, तुम काफी चेंज हो गए हो ना, इसलिए। अच्छा तुम्हें याद तो होगा ना कि तुमने कॉलेज के टाइम मुझे प्रपोज किया था। हाँ मुझे सब याद है। बाय द वे मेरे पास तुम्हारा कांटेक्ट नंबर नहीं है, तो तुम अपना मुझे कांटेक्ट नंबर दे दो, मैं पार्टी के बाद तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। ठीक है, बट एक प्रॉब्लम है, उस टाइम तुम्हारे पीछे लंबी लाइन थी और इस टाइम मेरे। तुम्हें काम करो, ये टोकन पकड़ो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तो मेरा आंसर ना होगा। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, ये जो हर सिंगर। नामुमकिन जैसी कोई भी चीज नहीं, जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं, मिलेगी मंजिल चाहे करीब नहीं, मैं हूँ दिल का अमीर भाई गरीब नहीं। कोई भी लकीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं, अगर हुई तेरी हार तो मान ले ये बात, बंदा तू ही जिम्मेदार कोई और नहीं।